अभी कैसा फील कर रहे हो? कौन सी? अब कैसा फील कर रहे हो? अच्छा, पहले से अच्छा लग रहा है ना, तो ठीक है, कंटिन्यू करिए आप। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अभी काफी दिनों से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं हो रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं फर्स्ट ब्लॉग बनाने के बाद दो तीन ब्लॉग फिर मैं सोची कंटिन्यू करूँगी और मैं ब्लॉग बना ही नहीं पा रही थी। अभी मेरी तबीयत ठीक है तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी और मेरा ब्लॉग मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी आएगा। और ये मेरा सेकंड ब्लॉग है और उम्मीद करती हूँ कि जैसे फर्स्ट ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया वैसे ही ये ब्लॉग भी मेरा पसंद आए, और वैसे ही इसको और सपोर्ट करिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो फिलहाल काफी दिनों बाद आए हैं मोमोज खाने के लिए, काफी बहुत दिनों बाद खा रहे हैं, लगभग 3-4 महीने बाद, तो काफी टेस्टी है, चलिए खाते हैं और निकलते हैं फिर इधर से घर की ओर। नहीं, इसके बाद आइसक्रीम खाना है, तो चलिए खाते हैं। और यहाँ पे नेपाल से आए हुए हैं जो मोमोज बेचते हैं, और इनका ही मोमोज काफी फेमस है चिरमिरी में, और इनका एक मतलब एक और ब्रांच बैकुंठपुर में, तो काफी टेस्टी बनाते हैं, चलिए खाते हैं। तो अभी फिलहाल 2 प्लेट खा चुके हैं, अभी 2 प्लेट और फ्राई मंगाए, उसके बाद उसे टेस्ट करेंगे। और आज का चटनी काफी स्पाइसी है इनके मोमोज में, तो चलिए मंगाते हैं और लुत्फ उठाते हैं मोमोज का। तो अभी यहाँ पे आए हुए थे मटका कुल्फी खाने के लिए, और यहाँ का मटका कुल्फी काफी टेस्टी है। कैसा रहा? बहुत टेस्टी था ना, तो चलिए मटका कुल्फी वगैरह खा लिए। ये हल्दीबाड़ी भी बेचते, काफी टेस्टी रहता है। चलिए चलते हैं अब आगे काजू शेक पीने। तो फिलहाल अभी काजू शेक पीने आए हुए हैं, ये न्यू मेवाड़ कुल्फी आइसक्रीम, ये हल्दीबाड़ी पेट्रोल पंप के पास। और कैसा है आइसक्रीम? तो इन्हें काजू शेक पिला, और ये बहुत टेस्टी बनाते हैं काजू शेक, बाकी जगह तो पिए हैं पर यहाँ का काफी टेस्टी है काजू शेक, तो चलिए पीते हैं और निकलते हैं घर की ओर। तो अभी फिलहाल एक और डिमांड आ चुका है कोन वाली आइसक्रीम का और वेनिला, तो चलिए देखते हैं कैसा है कोन वाला है। वो देखिए डाल रहे हैं, तो यही आइसक्रीम है। कैसा है टेस्ट? खैर वेनिला है तो वेनिला ही जैसा होगा, और कैसा हो फिर भी टेस्टी है, बोलना तो फर्ज बनता ही है कि टेस्टी है। अभी यहाँ पे ये कुछ शॉपिंग वगैरह कर रही, कुछ चूड़ी बिंदी टिकली वगैरह चाहिए था, तो ये मार्केट ही हल्दीबाड़ी का मेन मार्केट, और यहीं पे कर रही। चलिए फ्रेंड्स, अभी रात के बज रहे हैं 9 और मेरे हस्बैंड अभी अपने काम में बिजी हैं जो कल पूरी रात जगे थे, और अभी फिर से उसी काम में फिर से बिजी हो गए हैं। पता नहीं कितना ऑफिस का काम होता है कि घर वाले को टाइम ही नहीं देना होता। ये देखिए आप लोग, ये देखिए अपने काम में इतने बिजी हैं कि इनको किसी पे ध्यान देने का टाइम ही नहीं है। क्यों, ऐसा कौन सा काम जो पूरी रात होता है? इधर कैमरे की तरफ करके हाय तो कर दो। हाय। ये रात का पूरा नींद नहीं हुआ इसलिए चेहरा देखिए कैसे सूजा सूजा लग रहा है।
क्यों आज रात भी पूरे जगना है? कितने दिन तक? अभी काम पूरा पेंडिंग है इसलिए जगना पड़ेगा। तो देखा आपने ये कितने अपने काम में बिजी हैं। तो बताइए इतनी रात रात तक जगना चाहिए काम करने के लिए? फिर दिन में भी काम करना चाहिए, ऐसे काम करेंगे तबीयत खराब होगी ही होगी, फिर भी मुझे करना है। तो फ्रेंड्स मैं कुछ दिन से मेरी तबीयत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से मैं फर्स्ट ब्लॉग बनाने के बाद मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, और आज सुबह से फिर से वैसी तबीयत खराब थी तो भी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। अभी शाम को बहुत अच्छा लगा तो सोचे थोड़ा सा ब्लॉग बना लें, और अभी डॉक्टर ने मुझे पूरी तरीके से बेड रेस्ट बोल दिया, जिस वजह से मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मम्मी पूरा काम कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी पूरा घर का काम कर देते हैं, पर अभी कुछ रीजन ऐसे हैं इस वजह से मेरे को बेड रेस्ट करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, उसके बाद फिर मैं ही करूंगी, मम्मी लोगों को आराम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मैं अभी एग उबाल रही हूँ, थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम बैठी हूँ, क्योंकि बैठने से खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सुबह दिन में अंडे की सब्जी बनी हुई थी, जो बचा हुआ है तो उसी में थोड़ा सा अंडा और उबाल के फ्राई करके डाल दिया जाएगा, जिसे मैं मम्मी पापा और ये मिलके हम चारों खा लेंगे। और आटा गूंदना है अभी, वो तो मम्मी गूनेंगे अभी, क्योंकि मैं मुझे अभी गूनना नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी शाम को कपड़े डले हैं, क्योंकि दोपहर से बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था और हमने कपड़े डाले नहीं क्योंकि वो गंदे हो जाते, और अब हवे बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, मम्मी भी अभी तक आए नहीं हैं, तो मम्मी को फ़ोन लगा के बुलाया जाए। ये आंधी तूफान आने से पहले मम्मी घर में आ गए हैं, उन्हें लगा कहीं वो उड़ मत जाए। तो हवे में तो मम्मी घर आ गए हैं, मुझे भी डर लग रहा था मम्मी कहीं उड़ मत जाए, तो मम्मी अपने टाइम पे आ गए हैं, और टेंशन हो रहा था कि घर का काम कौन करेगा। सॉरी मम्मी, मजाक में बोल रही हूँ मैं, ये मेरी बहुत गंदी आदत है, मुझसे कुछ ना कुछ सामान टूटता फूटता रहता है। तो ये मुझसे पोछा लगाते टाइम पे ये डंडे से ये टूट गया, क्यों सही बोल रही हूँ ना? सही तो बोल रही, पर वो टूटा नहीं, फटा है कभी। अच्छा। और ये दूसरी बार नहीं, चौथी बार है। नहीं ये दूसरी बार है, चौथी बार है। अक्सर ये बर्तन धोते धोते कप का डंडी तोड़ देती है, कभी कुछ कर देती है, कभी कुछ गिरा देती है, कभी आटा गिर जाता है, कभी तेल गिर जाता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ, इतना नुकसान हो रहा है। ये मुझसे हुआ, ये अभी तक बना नहीं है, ये कब जाके देंगे, ये कब बनवाएंगे। पर याद है कि हाँ ये मुझसे टूटा है, मैं जब भी उसको देखती मुझे याद आता है कि ये कब बनेगा, ये कब बनेगा। और मुझसे ये भी टूट गया था, तो ये सब फेविकॉल से जोड़े ना, उस सिंह को, वो हिरण की मुंडी को फेविकॉल से जोड़ा गया है। और हिरन लोग भी माफी मांग रहे थे मेरे से कि मुझे मत जोड़िए, क्योंकि कुछ दिन बाद फिर तोड़ देगी, इसलिए हिरन लोग भी बोल रहे थे, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। हमारे दूध वाले भैया बहुत लेट दूध देते हैं, मिस्टर इंडिया की तरह दूध आके देते हैं और तुरंत गायब हो जाते हैं। इन्हें कितनी बार बोला कि भैया टाइम पे दे दो, पर ये 9:45 के आसपास, कभी 10 बजे से पहले देते ही नहीं है। बेचारे पापा वेट करते रहे कि कब दूध आए और वो कब अपना खाना खाए रात का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मैं सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग सब नाश्ता करने जा रहे हैं, और आज नाश्ते में है पराठा और आलू की भुंजिया और लाल चाय, और सुबह सुबह मैं चना और हरा मूंग फूला हुआ खाती हूँ, तो पहले वो खाती हूँ उसके बाद फिर नाश्ता करती हूँ। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो ये मेरा हेल्दी डाइट है, सुबह का चना और हरा मूंग अंकुरित किया हुआ, और ये है नाश्ता। तो आप सभी का मिसेस गुरुंग व्लॉग्स में स्वागत है, और मिसेस गुरुंग का भी हालत थोड़ा सा ठीक नहीं है, सांस फूल सा रहा था तो इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो मेरे ही हॉस्पिटल में इन्हें लेकर आया हूँ, मैम से दिखवाया तो बोलिए आधे घंटे कम से कम ऑक्सीजन दे दीजिए इनको, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन मशीन लगा हुआ है इन्हें,
जो पोर्टेबल रहता है, खुद से ऑक्सीजन बनाता है ये मशीन। ये देखिए आप लोग, ये खुद से ऑक्सीजन बनाता है और बहुत महंगा मशीन है ये। तो इन्हें अभी ऑक्सीजन लगा, आधे घंटे ऑक्सीजन लगेगा तो फिर ठीक लगेगा। अभी कंफर्टेबल हो तो, अभी कंफर्टेबल हैं तो देखिए क्या क्या झेलना पड़ता है, कैसे सरवाइव करना पड़ता है माँ बनने के लिए। तो ये भी एक पार्ट ऑफ जर्नी है माँ बनने का, जो इन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। तो नारी शक्ति को मेरा प्रणाम, मेरी वाइफ को भी प्रणाम। तो जब बाबू आ जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, और जब बड़ा हो जाएगा तो देखेगा कि मेरी मम्मी भी क्या क्या चीजों को झेली उसके बाद में वो दुनिया में आया, तो शायद उसके मन में और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा अपनी मम्मी के लिए। तो ऐसा कुछ है। और ये मेरा हॉस्पिटल है, प्राइवेट रूम है, ये क्या स्टाफ रूम है वहीं पे लगवाए हैं, जनरल वार्ड पे तो रखे नहीं। इधर वॉश बेसिन वगैरह सारा कुछ है, इधर मैं भी हूँ तो, और इधर कूलर वगैरह सारा कुछ है, इधर बाथरूम भी है, और ये सारा स्टोरेज है रखने का। तो ऐसा कुछ है। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा देखकर ब्लॉग। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो माँ बनने के लिए इन चीज़ों को भी, इन कष्ट को भी झेलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मम्मा और बच्चे से रिलेटेड बहुत सारा इस चैनल में ब्लॉग आएगा। तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल में और जो मेरी वाइफ के ब्लॉग में। वाले वीडियो को इसलिए बना रही हूँ ताकि जो 8 और 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, जो कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, कुछ लोगों को वो दिक्कत नहीं होता है, तो वो दिक्कत मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर मेरा ब्लॉग जो प्रेगनेंट लेडी देख रही है और जो भी देख रहे होंगे वो शायद इस चीज़ से रूबरू हो जाए, जान जाए कि हाँ ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो जैसे मुझे सांस फूलने लगती है कभी कभी, सांस लेने में दिक्कत होता है, तो मैंने अपने गाइनो से सजेस्ट किया तो उन्होंने बताया कि ऐसी दिक्कत होती है, लेकिन अगर ये दिक्कत कंटिन्यू है तो ये अपने आपको गाइनो से जाके सजेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंटिन्यू बना रहेगा तो वो दिक्कत का काम है। तो उनका कहना है अगर कभी कभी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कंटिन्यू होता है तो वो दिक्कत होता है। और जो बाकी दिक्कत अगर मेरे साथ होगी तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस ये छोटी छोटी बात है, जो मैं 8 या 9 मंथ की प्रेगनेंसी भी मेरी अभी चल रही है और जो आने वाली है, मैं आपके साथ वो शेयर कर पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स में कभी कभी मेरे हस्बैंड भी उस ब्लॉग को कंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ कभी कभी, तो वो मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू कर देते हैं, तो मुझे काफ़ी सपोर्ट भी मिल जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग को अब समाप्त करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा। और मेरे इस ब्लॉग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और प्लीज़ इसे जितना शेयर करिए ताकि मेरे को बहुत सारा प्यार मिल सके। ठीक है फ्रेंड, गुड नाइट, बाय बाय।